जिसे 500 ये गाड़ी है, ये गाड़ी के अंदर कार्बोरेटर नहीं है, इंजेक्टन वाला है और ये टाकी के अंदर पानी चले गया हुआ है। पानी जब गया हुआ है इसको आप लोग पता कर लगा सकते हो कैसे। अभी इसको जो पाइप लगा हुआ है मैंने ओपन कर दिया हूँ, बाहर निकाल दिया हूँ। अगर कभी भी पाइप आपको इसको निकालना है तो यहाँ स्क्रू लगा हुआ देखिए, इसको ढीला करना चाहिए, ढीला करके फिर पाइप घसीटना चाहिए। अगर नहीं आप ऐसे ताकत से निकालोगे तो ये जो होता है अंदर का प्लास्टिक है टूट जाता है, जिसको आप प्यार से निकालना चाहिए, जबरदस्ती नहीं निकालना चाहिए। और अभी आपको दिखा रहा हूँ कि पानी इसमें, जैसे अभी चाबी जब चालू करेंगे तो पानी इसमें दिखेगा, इसमें पेट्रोल है, पानी है दिखेगा इसमें। ये देखिए पानी ये पूरा भरा हुआ, देखिए पूरा वाइट वाइट हो रहा है इसमें। अगर कभी भी ऐसे प्रॉब्लम हुआ तो टाकी को पूरा ओपन करना पड़ता है। टाकी ओपन करने के लिए 14 नंबर का आपको पाना लगेगा और ये पूरा एलंकी खोलना पड़ता है, इसको 5 नंबर का एलंकी लगता है। और जो कार्बोरेटर इंजेक्शन होता है इसके अंदर आगे, इसके अंदर है नीचे है, उसमें 10 नंबर का पाना लगता है। सब ओपन करके इसको अच्छी तरह सफा करके फिर लगाना चाहिए। जैसे आपको फर्स्ट टाइम जब खोल रहे हो तो कोई भी चीज़ समझ लें खोल रहे हो मोटर पूरा, तो यहाँ आप मार्किंग मार देना चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि जिस निशान से आप मारे उसी निशान से लगा दोगे तो इजी से फिटिंग हो जाता है, जो फर्स्ट टाइम खोल रहा है। तो अभी इसको मैंने ओपन नहीं किया हूँ, पूरा इसको ओपन करके आपको दिखाऊंगा। अभी आपने देख लिया पानी इसमें आ रहा है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। अगर कभी भी मान लो आपका मोटर नहीं चल रहा है, पेट्रोल नहीं फेंक रहा है या गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, करंट नहीं आ रहा है, तो ये गाड़ी के अंदर देखो फ्यूज आता है यहाँ डिग्गी में, ये फ्यूज इसमें लगा हुआ है और रिले लगा हुआ है। सब चीज़ चेक करने के बाद फिर आप इसमें सीधे ऊपर डाउट करना चाहिए। अगर इसमें कोई भी फ्यूज उड़ा हुआ है और रिले ख़राब है तो आपकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होता, जो स्पार्क प्लग होता है उसमें करंट नहीं आता है और मोटर नहीं चलता है। ये सब चीज़ चेक करने के बाद फिर आगे आपको काम बढ़ना है। अभी तो हमारे पास ये गाड़ी है इसलिए इसमें बता दे रहा हूँ कि हमारे पास एक कॉल आता है, कमेंट आता है कि बोलते हैं सर हमारा गाड़ी का मोटर नहीं चल रहा है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसी तरीका है, आप चेक कर सकते हो, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे एक प्लस एक माइनस वायर लेके मोटर चालू है कि नहीं है। इसमें देखिए लगा हुआ वायर रेड कलर का, इसमें प्लस और माइनस लगाओगे तो मोटर डायरेक्ट चालू हो जाएगा, करंट आता ही नहीं है। जैसे मोटर आपका चालू है कि नहीं चालू पता चल जाएगा डायरेक्ट करने के बाद, जैसे डायरेक्ट करोगे तो। अभी था मैंने आपने को बता दिया, अभी जो टाकी है टाकी ओपन करने जा रहा हूँ मैं। अभी जो होता है इसका सब जो एलंकी टाइप का नट है, मैंने पूरा इसको बोल्ट मैंने पूरा ओपन कर दिया हूँ। इसमें 5 नंबर का एलंकी लगता है। अभी सब मैंने इसको जो है पाँच लगा हुआ है बोल्ट इसमें, अभी ओपन कर दिया हूँ। ओपन करने के बाद इसको देखिए मोटर मैंने निकाल दिया हूँ। अभी मोटर है और इसमें पेट्रोल कम से कम 3 लीटर के आसपास रखोगे तो सही है, नहीं तो क्या होता है मोटर उड़ जाता है। अभी ओपन कर दिया हूँ इसको, अभी अच्छी तरह इसको, अभी ये देखिए इसमें पूरा जो पानी होता है, पूरा देखिए पानी है, ये देखिए पूरा इसमें पानी चले गया हुआ है। तो अभी पूरा इसको अच्छी तरह से क्लीन करके फिर इसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा। और ये जो मोटर है इसको अच्छी तरह से, जैसे हवा आपके पास हवा है तो हवा मार देना चाहिए, हवा मार के फिर लगाना चाहिए। अभी मैं इसमें पूरा हवा मारूंगा अच्छी तरह से, और उसमें कैसे होता है हवा मार के फिर लगाऊंगा, लगाने के बाद फिर इसको फिटिंग करूंगा, फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको जैसे तरीका बता दिया हूँ, ये तरीका आप यूज करोगे तो अपनी गाड़ी में इजी से आप काम कर सकते हो। जो फर्स्ट टाइम काम करता है, कोई भी फर्स्ट टाइम अगर कोई भी चीज़ को ओपन हो रहा है तो आपको इधर मार्किंग करके अगर आप ओपन करोगे तो आपके लिए अच्छा है और आपका काम इजी से हो जाएगा। अभी दोस्तों मैंने आपको मोटर बता दिया हूँ, अभी जो फुल इंजेक्शन होता है यहाँ लगा हुआ रहता है, देखिए ये देखिए इधर लगा हुआ है अंदर। तो इसको भी अगर ओपन करना है आपको, इसको भी ओपन करके अच्छी तरह से क्लीन करोगे तो गाड़ी आपकी परफेक्ट चलेंगी। अगर आप मोटर कर दिए और इसको नहीं किए, बाद में गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम होता है, इसलिए जिस टाइम मोटर खोल के आपने इसको पूरा सफ़ा किए, सफ़ा करने के बाद आप फिटिंग करोगे
अगर ये ओपन नहीं करोगे तो गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम देगा। आप ये फुल इंजेक्शन जो है ये भी खोल लेना चाहिए। और इसको खोलने का तरीका ये है कि यहाँ का 10 नंबर का नट लगा हुआ है, नट ओपन करोगे तो जो बड़ा वाला डिस्टेंस दिख रहा है ये भी निकल जाएगा बाहर, और उसके साथ में एजी से निकल जाएगा। इसमें भी वायर लगा हुआ है, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। अब इसको पूरा मैंने ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद फिर आपको दिखा दे रहा हूँ। अब वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखिए 10 नंबर का बोल्ट है, ये पूरा बोल्ट है, ये जो खोलोगे तो खुल जाएगा, छोटा डिस्टेंस है, निकल जाएगा। निकलने के बाद एजी से निकालना चाहिए, इसको भी आस्ते से निकालना चाहिए, ताकत से नहीं निकालना चाहिए। अभी ये देखिए मैंने जो बोल्ट होता है इसका बड़ा वाला देखिए ओपन हो गया हुआ है, और इसका जो डिस्टेंस यहाँ लगा हुआ डिस्टेंस में निकाल लिया हूँ मैं। और निकालने के बाद जो फुल इंजेक्शन होता है ये निकालने का आपको तरीका बता रहा हूँ मैं। इसमें देखिए सॉकेट लगा हुआ है, सॉकेट में जो पिन लगा हुआ है इसको पुश करके निकालना चाहिए। पुश करके इसे निकालोगे तो इसी से निकल जाएगा। ये जो कोई नया आदमी अगर काम करने जा रहा है मैं उसको बता रहा हूँ, जो जूने मैकेनिक है उनको परफेक्ट काम मालूम है, नया जो बच्चे लोग काम देखते सीखते सीखने के लिए ट्राई करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ सभी वीडियो, क्योंकि हमारे पास कमांड आता है बोलता सर हमको ये काम मालूम है। नया आदमी लोग को तो काम नहीं मालूम है, जो जूने मैकेनिक है उनको लोग तो मालूम है काम, ये तरीका काम करने का। और ये खोलेंगे तो इसको खोलने का तरीका बता दो, पुश करने का, फिर आप इसको खींचोगे ऊपर तरफ या इसको तो इजी से बाहर आ जाता है वो। अभी देखिए मैंने खींच के इसको निकाल दिया हूँ। अब निकालने के बाद जो इंजेक्शन होता है अभी वो भी निकाल दे रहा हूँ घसीट के, इसको थोड़ा इसको आराम से निकालना चाहिए। अभी ये देखिए इंजेक्शन निकाल दिया, और इंजेक्शन के अंदर भी पानी इसमें गया हुआ है। अभी इसको मैं पानी दिखा दे रहा हूँ आपको, पानी अगर निकालना है ये देखिए पानी इसमें भी, ये देखिए। अब इसको मुझे भी अच्छी तरह से इसको क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी पिकअप में देखो कचरा भी है इसमें, ये देखिए कचरा भी निकल रहा है। आपको दिखाने लिए मैंने इसके ऊपर ठोक रहा हूँ ना, अभी मैं दूसरे इसको अच्छी तरह से क्लीन करके फिर लगाऊंगा मैं इसमें, फिर गाड़ी परफेक्ट स्टार्ट हो जाती है, फिर गाड़ी में पिकअप में कोई चीज़ में प्रॉब्लम नहीं देगा। अब इसको मैं अच्छी तरह से क्लीन करके फिर अभी आपको सब तरीका बता दिया खोल के। आप इसमें WD-40 एक स्प्रे आता है उसमें मार सकते हो, नहीं तो आप क्लीन करा सकते हो। अभी ये जो चीज़ है अगर आपके पास जैसे क्लीन करने वाला एक अलग आता है, अगर उससे आप क्लीन करा लोगे तो अच्छा है। अभी हमारे से थोड़ा दूर है, मैं जाके उसको क्लीन कराऊंगा। और आपके पास क्लीन करने वाला जैसे जो होता है जो करता है क्लीन, अगर नहीं है तो आप इसमें WD-40 स्प्रे मार देना चाहिए। मार के फिर इसको फिटिंग से पहले आप इसको स्प्रे को बाहर रखना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा पूरा इसको अच्छी तरह से फिटिंग करके, फिर आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे इसमें स्प्रे मार जो होता है इसमें पेट्रोल आता है। अभी सब पूरा क्लीन करने के बाद आपको दिखाऊंगा, पूरा फिटिंग कर दूंगा। टाकी ओपी जो ओपन किया हूँ पूरा फिटिंग करके अच्छी तरह से फिर टेम्पर वाइज आपको दिखाऊंगा जो प्रेशर से जो पेट्रोल फेंकता है। अब पानी के जाने का रीजन आपको बता रहा हूँ, पानी क्यों जाता है। जैसे टाकी है, टाकी के ऊपर जो लगा हुआ रहता है ढक्कन लगा हुआ रहता है, अगर बारिश हो रहा है बहुत ज़्यादा और दो तीन दिन या 4 दिन बारिश हो रहा है, गाड़ी आपका बाहर खड़ी है, पानी ज़्यादा करके इसके थ्रू से पानी चले जाता है जिसका ये कवर नहीं है। ऐसे समझ लो कवरिंग रहेगा तो पानी कम जाएगा, ऐसे रहेगा तो पानी ज़्यादा जाता है। कभी भी आपको बारिश से पहले इधर जो टाकी होता है कवर वो लगा देना चाहिए तो आपकी गाड़ी में ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगा। पानी इसके थ्रू से ज़्यादा पानी जाता है लॉक के थ्रू से। टेम्पर वाली ये फिटिंग किया हूँ कि पूरा फिटिंग अच्छी तरह से नहीं किया हूँ, खाली आपको दिखाने के लिए कि इसमें मोटर मैंने फिटिंग कर दिया हूँ, जो फुल इंजेक्शन होता है वो भी लगा दिया हूँ मैं। अभी इसमें जो होता है आता कैसे उसका देखो आप, उसमें पेट्रोल किस तरीका आता है उसको मैं चेक आपको बता देना। उसको पकड़ना पड़ता है, इसमें दो आदमी चाहिए, देखिए जो पेट्रोल होता है पेट्रोल तरीका पर पेट्रोल ऐसे आएगा तो गाड़ी स्टार्ट होगा, अगर पेट्रोल यहाँ से नहीं आएगा तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, वो भी 100% स्टार्ट नहीं होगा। पेट्रोल जैसे पेट्रोल इसमें से आता है उसी तरीका पेट्रोल आना चाहिए। अगर आपको चेक करना है तो इसको पकड़ के चेक करना है, नहीं तो क्या होता है बाहर निकल जाता है प्रेशर से, क्योंकि पेट्रोल जो होता है पंप प्रेशर से फेंकता है, प्रेशर फेंक के भी इसके थ्रू से पेट्रोल आता है तब गाड़ी स्टार्ट होता है। वापस आप दिखा दे रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ पेट्रोल किस तरीका आता है देख लीजिए। क्योंकि इसमें लॉक सिस्टम नहीं है इसलिए पकड़ना पड़ता है।
अभी गाड़ी को पूरा हमारे उसको अभी खाली टेम्पर वाइज से लगाया था आपको दिखाने के लिए, अभी पूरी गाड़ी को फिटिंग करूंगा, फिटिंग करने के बाद आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा। गाड़ी स्टार्ट तो हो ही जाएगा, 100% स्टार्ट होगा गाड़ी, क्योंकि गाड़ी के अंदर पानी था तो प्रॉब्लम दे रहा था। अभी मैंने इसको भी वॉश किया, इसको भी समझ लो सब रिपेयरिंग हो गया, सब बन गया हुआ है, अब खाली इसमें फिटिंग करके गाड़ी को स्टार्ट करना है। अगर आपके प्रॉब्लम हो तो ऐसे आप इजी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर बाहर आपको चेक करना है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, वापस बाहर चेक करना है तो आपको इसको पकड़ के रखना है, इसको ऐसे इधर है उधर पकड़ के रखना है, देखिए इसको पकड़ के रखना है, तब इसको जो है आपको सेल मारना है, नहीं तो क्या होगा आप इसको नहीं पकड़ोगे सेल से मारोगे तो पेट्रोल फटाके बाहर से यहाँ फेंक देंगे, पेट्रोल प्रेशर से आता है। तो अभी पूरा मैं अच्छी तरह से इसको फिटिंग कर दिया हूँ, फिटिंग करने के बाद अभी ये गाड़ी को मैं आपको स्टार्ट करके बता रहा हूँ। मैं देखिए गाड़ी परफेक्ट स्टार्ट हो गई है, देखिए पूरा इसका जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम था, जो टाकी के अंदर पानी गया था, मैंने सब सफा किया, सफा करने के बाद फिर बाद में स्टार्ट कर रहा हूँ, परफेक्ट गाड़ी स्टार्ट हो गई है।